नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे IRCTC का क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा, उसके अनुसार मार्केट का क्या रिएक्शन होगा IRCTC के शेयर के ऊपर, तो हम इसके लेवल्स और टारगेट के बारे में जानेंगे, क्या लेवल्स और टारगेट हो सकता है मार्केट के रिस्पॉन्स के अनुसार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप IRCTC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। तो देख सकते हैं, ये हमारा PDF कॉपी जो कि हमने BSEIndia.com से डाउनलोड किया है, IRCTC के रिजल्ट का जो PDF कॉपी है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड भी IRCTC ने दिया है 2.50 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर, जो फेस वैल्यू 10 है, और जो इसका डिविडेंड परसेंट हुआ 25% का डिविडेंड दिया। इससे पहले जो है 10 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था जो इंटरिम डिविडेंड था, इस बार फाइनल डिविडेंड जो है वो 25% का, अर्थात 2.50 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड दिया है IRCTC ने। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे, फिर पिछले क्वार्टर के रिस्पेक्ट में भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो 10 दिन था मार्च में लॉकडाउन का इफेक्ट पड़ा था, 10 दिन का इफेक्ट अगर रिजल्ट पे पड़ा है तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है उस पर जो इफेक्ट होगा इस जून क्वार्टर का काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेंस चल रहे हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेंस चल रहे हैं तो इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन से रेवेन्यू है IRCTC का, तो ये लाख में है। यहाँ पर देखते हैं अमाउंट 1 लाख, तो इसको 100 से आप डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड तो ये करोड़ में हो जाएगा। तो हम करोड़ में ही देखेंगे, तो दो डिजिट जो है इसको छोड़ देंगे। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 586 करोड़, ये दो डिजिट जो है हम लास्ट वाला इसको छोड़ करके लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपको 586 करोड़। उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मार्च 19 का, तो दो डिजिट छोड़ के लेना है, तो 497 करोड़। तो इससे देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें, मतलब जो दिसंबर क्वार्टर है, तो उसमें था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 715 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अदर इनकम देख लेते हैं, तो 19 करोड़ है अदर इनकम, पिछले क्वार्टर में था 18 करोड़, और उससे पहले जो मार्च 19 का क्वार्टर था उसमें 42 करोड़ था अदर इनकम। तो अदर इनकम भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है ये इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 1 करोड़ का वृद्धि हुआ, 1 करोड़ ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो टोटल एक्सपेंस देख लीजिए, टोटल एक्सपेंस है 398 करोड़, और वहीं जो पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस था 464 करोड़, तो जो टोटल एक्सपेंस है ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो एक्सपेंस को काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज किया है IRCTC ने हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लेते हैं, तो 442 करोड़ एक टोटल एक्सपेंस है, 442 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों तरह से देखें तो जो टोटल एक्सपेंस है काफ़ी डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो एक्सपेंस में गिरावट बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, जिसके कारण कंपनी जो है प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाया होगा, क्योंकि रेवेन्यू जो देख रहे हैं कि बहुत ही कम इंक्रीज हुआ था लेकिन एक्सपेंस को ही डिक्रीज कर लिया, तो जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स प्रॉफिट देखने का कोई महत्व नहीं है, आफ्टर टैक्स तो 150 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, करोड़ में हम ले रहे हैं कि ये जो अमाउंट दिया हुआ है आपको लाख में है, तो दो डिजिट छोड़ करके लेना है आपको, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तब ये करोड़ में कन्वर्ट होगा। तो 150 करोड़ हो गया रेवेन्यू, थी टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वही पिछले क्वार्टर में था 205 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इससे काफ़ी डिक्रीज हुआ। देखते हैं 55 करोड़ का डिक्रीज है, 55 करोड़ का अप्रॉक्स जो है आप कह दीजिए 55 करोड़ का डिक्रीज हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो मात्र 83 करोड़ प्रॉफिट था जो मार्च 19 है उसमें, मार्च 19 में मात्र 83 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 19 में मात्र 83 करोड़ का प्रॉफिट, उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में।
तो कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में जंप हुआ है, मतलब कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो किया है। इसके बाद जो बेसिक हमारा अर्निंग पर शेयर है तो 9.41 रुपीज़ है हमारा अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं 80% के आसपास। तो जो अर्निंग पर शेयर है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है, डिविडेंड भी आपको दिया है 2.50 रुपीज़ का, और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस 83 करोड़ से 150 करोड़। तो निश्चित है कि इस पर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, जब प्रॉफिट में इतना जंप है तो मार्केट इस पर क्या करेगा, पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, जो कि आपने TCS में देखा था कि TCS का जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ था, मार्केट उसमें निगेटिव रिस्पांस किया था जो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, लेकिन रिजल्ट के बाद वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया, क्योंकि मार्केट को जो उससे आशा था कि बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आएगा, उतना खराब रिजल्ट नहीं आया था इसमें। तो अभी क्वार्टर फोर का ही रिजल्ट है, क्वार्टर वन का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि ऑपरेशन ही इसका नहीं था, इसका कंपनी का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, TCS में IT कंपनी का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है पूरी तरह से बंद था, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेन चलाया गया था, तो इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट काफ़ी इफेक्टेड होने वाला है। तो लेकिन अभी जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतरीन है, इस पर मार्केट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है, अब ये मार्केट का इससे क्या आशा था उस पर डिपेंड करता है, तो मार्केट जैसे ओपन कर होगा तो हम इसके रिस्पॉन्स को देखेंगे। अब हम IRCTC के लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे, ये हम आ चुके हैं जीरोधा के वेबसाइट पर, अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ डिलीवरी में आपका चार्ज जीरो लगता है, और अगर आप इंटरडे करते हैं तो मैक्सिमम जो चार्ज लगेगा 20 रुपीज़ पर ट्रेड, तो काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी अकाउंट ओपन कीजिए। अब यहाँ पर हम लेवल्स और टारगेट की बात कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है इस स्टॉक का, इसलिए 200 डे का मूविंग एवरेज यहाँ आपको नहीं दिखाएगा, 100 डे का मूविंग एवरेज, 100 डे का मूविंग एवरेज है 1290 रुपये के आसपास, 100 डे के मूविंग एवरेज से स्टॉक देख सकते हैं 100 रुपीज़ ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसका जो अभी ट्रेड हो रहा है देख सकते हैं साइडवेज है, साइडवेज मतलब ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो 1600 इसका ऊपर का सर्किट है 1600, और नीचे जो इसका जो लेवल्स है वह है 1200 और 1600 इसके आसपास ज़्यादा ट्रेड करता है, उसमें भी अगर हम छोटा सा साइडवेज देखें तो जो छोटा सा साइडवेज है वो है 1300 और 1500 के बीच ये ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेक करता है मतलब 1500 तो आपको 1600 तक जा सकता है, 1600 को ब्रेक करता है तो फिर आपको इसमें 2000 का लेवल देखने मिल सकता है, ये हुआ ऊपर का लेवल, अगर पॉजिटिव रिस्पांस करता है मार्केट इसके रिजल्ट के ऊपर, अगर मार्केट नेगेटिव रूप से रिस्पांस करता है मतलब मार्केट की जो आशा थी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा थी, IRCTC का जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी बेहतरीन आएगा, तो अगर इसको निगेटिव रूप से लेता है मार्केट तो फिर आपको ये 1200 के आसपास आ सकता है, 1200 के आसपास तक, 1300 का लेवल ब्रेक करेगा फिर 1200 तक ये आ सकता है, ये तो हो गया आपको शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका IRCTC का लिस्टिंग कुछ खास ज़्यादा नहीं है, तो अभी आपको इसी तरह का इसका जो लॉन्ग टर्म में भी चार्ट दिखेगा, यहाँ से स्टॉक लिस्ट हुआ था 800 के आसपास, वहाँ से 2000 के लेवल तक का हाई बनाया, फिर यहाँ से 800 के नीचे तक आया, फिर यहाँ से 1500 के ऊपर तक गया, अब फिर यहां से नीचे आया फिर यहां ऊपर गया, तो इस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, IRCTC के स्टॉक में आपको आगे क्या करना चाहिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।